और अब बात उन गुनहगारों की जो वारदातों को अंजाम तो देते थे लेकिन किसी के इशारे का, और वो इशारा होता था हरियाणा के एक बदमाश का जो राजस्थान में वारदातों को अंजाम दिलवाता था और वो भी जेल की सलाखों के पीछे से। जी हाँ, इस बार एक ऐसे ही मामले का खुलासा हुआ है जिसकी साजिश जेल से रची जाती थी और उस साजिश को अंजाम दिया जाता था उसके बाहर बैठे गुर्गों के मार्फत। एक रिपोर्ट। यूं तो कई बार वारदातें होने के बाद पुलिस बदमाशों तक पहुंच जाती है और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, लेकिन कई बार सवाल ये भी खड़ा होता है कि गुनहगारों ने वारदातों को अंजाम किसकी शह पर और क्यों दिया, और पुलिस उनके राज भी जानने की कोशिश में जुटी रहती है। लेकिन इस बार पुलिस पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसने वाकई चौंका दिया। झुंझुनू जिले के पिलानी पुलिस थाने में बैठे इन शातिरों पर नजर डालिए। दरअसल ये वो बदमाश हैं जो झुंझुनू जेल में बैठे अपने काका के कहने पर वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस के मुताबिक एटीएम लूट मामले में पिलानी पुलिस ने जब इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे गहन पूछताछ की गई तो ये राज सामने आ गया। पता चला है कि झुंझुनू जेल में बंद सतीश उर्फ खुंडा से ये आरोपी लगातार संपर्क में थे और इन्होंने उसके कहने पर ही वारदात की प्लानिंग रची थी। जो डकैती की योजना बनाते हुए लड़के 5 पिलानी थाना इलाके में पकड़े गए थे, उनसे दौरान तफ्तीश यह बात सामने आई है कि ये लोग सतीश उर्फ खुंडा निवासी नौगावा थाना सालाबास जिला झज्जर हरियाणा के एक अपराधी जो झुंझुनू जेल में बंद है उसी की इंस्पिरेशन से उसके कहने से ही ये यहाँ पर वारदात करने के लिए आए थे। दरअसल ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी झुंझुनू जेल से अक्सर मोबाइल और सिम बरामद होने के मामले सामने आते रहे हैं जो जेल और इलाके की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगाती है। अब जब इन बदमाशों से पूछताछ की गई तो अब ये पूरी तरह पक्का हो गया है कि जेल से भी गुनाह का खेल जारी है। हालांकि अब पिलानी पुलिस कहती है कि वो जेल में बंद सतीश और खुंडा से भी पूछताछ करेगी ताकि मामलों की परतों को खोला जा सके। इस संबंध में इनसे तफ्तीश की जा रही है और उस सतीश उर्फ खुंडा को भी इस संबंध में तफ्तीश की जाएगी कि भी इनकी क्या प्लानिंग थी, वे क्या इनकी कार्रवाई ये करने वाले थे। हालांकि पुलिस अपनी तहकीकात करेगी, लेकिन पुलिस गिरफ्त में आए इन शातिरों ने जो राज उगले हैं उसने अब पुलिस को भी हैरत में डाला हुआ है कि जेल से भी बच रहे हैं मोबाइल फोन। किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए फर्स्ट इंडिया के लिए पिलानी से कृष्ण ढस्सा की रिपोर्ट।